हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्टली व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ परमानेंट चेंज इन विच अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट chemical composition and different properties are formed. The change is not easily reversible. A chemical change always involves in a chemical reaction. Okay, a chemical change is the process breaking down a chemical bond of the reacting substance reactant and making a new bond to form a substance is known as प्रोडक्ट। यानी इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड द एटम अ मॉलिक्यूल्स टुगेदर एज इन अ कंपाउंड। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन आर द फोर टाइप। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओ आर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ओ आर सिंथेसिस रिएक्शन। यानी पहले जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओ आर सिंथेसिस रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड टूगेदर to form a single substance is called combination reaction or synthesis reaction. For example, two element compound to form a compound. यानी दो element आपस में अगर combined हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, एक single compound form कर देते हैं। For example, carbon burn with oxygen, it is form carbon dioxide plus heat. यानी carbon को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या हो जाएगी, हीट निकलेगी। सेकेंड एग्जांपल क्या होता है, टू आर मोर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी अगर अमोनिया है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सिंगल कंपाउंड जो बनाता है वो अमोनियम क्लोराइड NH3 प्लस HCl, इट इज फॉर्म NH4Cl। सेकेंड टाइप रिएक्शन जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कहा था अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, अगर हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, अगर ये इसको हीट करेंगे तो मर्क्यूरिक और ऑक्सीजन दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर हम लोग हीट करते हैं तो इट इज चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड चेंज जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट चेंज जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर एसिटी सीरीज में अगर कोई भी कंपोनेंट हायर पोजिशन पे है तो वो क्या करेगा, नीचे जो लोअर वाला है उसको डिस्प्लेस कर देगा, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ केमिकल चेंज इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस आर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ साल्ट एंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल है अगर हम कॉपर सल्फेट को, यानी कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद द जिंक, यानी अगर कॉपर सल्फेट को हम लोग रिएक्ट कराएंगे जिंक, तो क्या होगा, जिंक एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा होगा जिंक ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर
सल्फेट रिएक्ट विद द जिंक, इट इज फॉर्म जेड एन प्लस एसओ फोर। नेक्स्ट फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है वो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड इन अ सोल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड बाय अ मैन्युअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिसमेंटमेंट रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं उसमें रेडिकल्स की मैन्युअलिंग शेयरिंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ए बी प्लस सी डी, इट इज फॉर्म ए डी प्लस बी डी। यानी दिस रिएक्शन आर टू टाइप, पहला है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन विच टू कंपाउंड इन दियर इक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म एन ए सोल्यूशन एज प्रोडक्ट नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को अगर सोडियम सल्फेट के साथ एक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी दिखाई देगा और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एन ए सी एल। दूसरा अगर कॉपर सल्फेट को अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक्ट कराएंगे तो बन जाएगा सी यू एस प्लस एस टू एस ओ फोर। और द सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन द एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या रेसिडेट्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल एन ए ओ एच रिएक्ट विद द एस सी एल, इट इज फॉर्म एन ए सी एल प्लस वाटर। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस के रिएक्टर आते हैं तो एक जो नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर। इस प्रकार हम लोग स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती क्या होती है। अगर स्टूडेंट हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें स्टडी विद संतोष ठाकुर। थैंक यू स्टूडेंट।